से आप खड़ी हुई हैं? सविता सिंह है, 8 वार्ड से खड़ी हुई हूँ जी। बताएंगी कि क्या मूल समस्याएं हैं इस वार्ड की और कैसे दूर हो सकती हैं? यहाँ समस्याएं बहुत हैं, जैसे यहाँ नाली की समस्या है, लाइट की समस्या है, सड़कों की समस्या है। कुछ हमारी बहनें बड़ी परेशान रहती है, कुछ के राशन कार्ड नहीं बने हैं, कुछ महिलाएं हैं जो 60 साल नहीं बनी उनकी, विधवा पेंशन नहीं बनी है। इस चीज़ को देखते हुए मुझे सब ने मिलजुल के खड़ा कर दिया है। तो क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी चुनाव अगर आप जीतती हैं तो? जिस उम्मीद से मुझे इस समाज ने खड़ा किया है, मैं पूरी ईमानदारी से इन लोगों की सेवा करूँगी। और जो जो समस्याएं आज तक जो काम नहीं हुए क्षेत्र में, उस कार्य को पूरा करूँगी। लेकिन एक चीज़ मैं वादे से कहना चाहती हूँ कि क्षेत्र को ऐसा बना दूंगी जो आने वाले टाइम में सब लोग ये कहे कि पार्षद हो तो सविता सिंह जैसा नहीं हो गई। एक बात और कि क्योंकि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं जी, तो अगर इस तरह का कोई समीकरण सामने आता है कि जब बहुतायत में निर्दलीय प्रत्याशी नहीं होते तो देखा जाता है कि नगर निगम में बहुत तरह की परेशानियां उन लोगों को आती हैं जो निर्दलीय होते हैं, तो ऐसे में क्या कदम उठाएंगी आप? जी, मैं कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए अपने कार्य को पूरा करूँगी। और भी प्रत्याशी मैदान में हैं, तमाम पार्टियों के प्रत्याशी हैं, तो किससे अपना कड़ा मुकाबला मानती हैं आप? मेरा किसी से नहीं। क्या हमारी जीत होगी? बहुत लंबी जीत होगी। जनता से क्या अपील करना चाहेंगी सविता जी आप? जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वोट देते विजय बनाए।